नमस्कार, आप देख रहे हैं दिनभर की खबर। मैं हूं आपके साथ दीपाली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्तिक चिदम्बरम के घर पर सीबीआई की छापेमारी पर बड़ा बयान दिया है। जेटली ने कहा कि जांच एजेंसी बिना सोचे समझे कार्रवाई नहीं करती है। जेटली के मुताबिक ऊंचे पदों पर बैठे लोगों को संपत्तियों का हिसाब देना होगा। उन्होंने कहा कि ऊंचे पदों पर बैठे लोग अगर शेल कंपनियों के जरिए संपत्ति खरीदते हैं तो ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। पी चिदम्बरम और लालू यादव के ठिकानों पर सीबीआई के छापों को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ये बातें कही। ये भी बता दें कि आज सीबीआई ने पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्तिक चिदम्बरम के घर पर छापेमारी की। ये भी बताया जा रहा है कि ये छापेमारी एनएस मीडिया को दी गई मंजूरी के सिलसिले में की गई। इस बारे में कल ही सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पी चिदम्बरम के घर समेत सीबीआई के 14 ठिकानों पर छापे मारे गए हैं, जिसमें मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और गुरुग्राम भी शामिल है। नाउ पीपल इन हाई पोजीशंस अक्वायरिंग एसेट्स थ्रू शेल कंपनीज इज नॉट अ स्मॉल मैटर एंड आई थिंक दिस इज द डे ऑफ रेकनिंग हैज कम फॉर मेनी। दे विल ऑल बी अकाउंटेबल। सीबीआई की छापेमारी के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में पी चिदम्बरम ने कहा कि मोदी सरकार उनकी आवाज को दबाना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें लिखने से रोकना चाहती है, जैसा कि वो बाकी विपक्षी नेताओं, पत्रकारों, एनजीओ, सिविल सोसाइटी के साथ कर रही है। पी चिदम्बरम ने कहा कि सरकार उन्हें और उनके बेटे और उसके दोस्तों को टारगेट करने के लिए सीबीआई और दूसरी एजेंसी का इस्तेमाल कर रही है। इस बीच कार्तिक चिदम्बरम ने भी छापेमारी को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। कार्तिक ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। कार्तिक के मुताबिक छापेमारी के दौरान कुछ भी बरामद नहीं हुआ और उनके खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि एयरसेल मैक्सिस डील में चिदम्बरम परिवार पूरी तरह दोषी है, दोषियों पर पूरी तरह कार्रवाई होगी। सुब्रमण्यम स्वामी से बातचीत की हमारे संवाददाता रविंद्र कुमार ने। स्वामी जी, चिदम्बरम साहब का जो स्टेटमेंट जारी हुआ है, उन्होंने कहा कि एफआईपी भी 5 सेक्रेटरी होते हैं, भारत सरकार के होते हैं, वही डिसीजन लेते हैं, इसमें उनका कोई हस्तक्षेप नहीं था। ये जानबूझकर सीबीआई द्वारा फंसाया जा रहा है उन्हें, क्योंकि वो मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। वो झूठ बोल रहा है और सारे चोर ऐसे ही होते हैं, झूठ बोलते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि आपको जानकारी नहीं होगी तो जो भी झूठ हुआ वो सच माना जाएगा। 5 सेक्रेटरीज बैठकर यही देखते हैं कि जो फॉर्मेलिटीज़ है, औपचारिकता है, वो पूरा हो गए, उसको फिर सारे दस्तावेज़ों को इकट्ठे करके मिनिस्टर को भेजते हैं। मिनिस्टर का काम है कि छानबीन करके ये तय करें। इसको मिनिस्टर अंग्रेजी में कहते हैं गिव्स अप्रूवल, दीज पीपल गिव, सेक्रेटरीज गिव क्लियरेंस, इट गोज़ फॉर अप्रूवल, यानी अनुमति देने के लिए, दस्तखत डालने के लिए उनको सारी चीज़ों का छानबीन करनी होती है। तो ये झूठ बोल रहा है और कायर है कि ऑफिसर्स को उन्होंने ऐसे दोष दिया। परंतु इतना ज़रूर कहूँगा कि जब चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे और आज भी वो लोग हैं जो चिदम्बरम की चापलूसी करते थे, तो उनको तो फिर कॉन्स्पिरेसी में लाया जाएगा। वो आपकी सरकार कहती है कि ब्लैक मनी को हम वापस लाएंगे, मुहिम भी चलाए हुए हैं, एसटीएफ है, कई तरह के कानून बनाए हैं। आपको लगा कि 6 लाख करोड़ जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं, अगर है तो ये वापस आएंगे, मोदी सरकार वापस लाएगी? तो वह तो भविष्य, मैं तो बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि वापस आएगी, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। और आज के बाद तो और भी मजबूत मेरी विश्वास हो गई है। 1000 करोड़ के बेनामी संपत्ति मामले में इनकम टैक्स विभाग ने आज आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव से जुड़े 22 ठिकानों पर छापे मारे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सुबह 8:30 बजे से छापेमारी शुरू की। पटना में लालू यादव के घर से लेकर दिल्ली, गुरुग्राम, रेवाड़ी समेत 22 ठिकानों पर ये छापेमारी की गई। इसकी जद में कुछ बिजनेसमैन, कंपनी और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेमचंद गुप्ता के बेटे भी आए। 100 अफसरों की टीम इस कार्रवाई में जुटी रही। आरजेडी ने कहा है कि ये कार्रवाई लालू को परेशान करने के लिए की गई। भाजपा की पूरी साजिश है, योजना है कि लालू यादव को ध्वस्त किया जाए, इनको परिवार को बदनाम किया जाए, ये उनकी पुरानी योजना है। नहीं तो मैं सवाल उठाता हूँ, नरेंद्र मोदी, सुशील मोदी पर जो सवाल उठा है उसकी क्यों नहीं छानबीन हुई या जांच हुई या कार्रवाई हुई? प्रतिशोध और बदले की आग, ये अब नया डीएनए भारतीय जनता पार्टी का बन गया है। न कांग्रेस पार्टी, न विपक्ष का कोई नेता और न श्री पी चिदम्बरम इस प्रकार की गीदड़ भभकियों से डरने वाले। हम जनता की आवाज उठाते रहेंगे।
बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि केंद्र को जांच करनी चाहिए, छापेमारी से सब कुछ साफ हो जाएगा। ये बताएं कि आखिर क्यों सुरेंद्र जैन, वीरेंद्र जैन जो 8,000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद है, उसने क्यों आपकी बंद पड़ी कंपनी का शेयर 10 रुपए का 100 रुपए में खरीदा? इसका जवाब दे लालू प्रसाद। क्यों प्रेमचंद गुप्ता ने, क्यों ओम प्रकाश कात्याल ने, क्यों अशोक मंथिया ने, क्यों सुरेंद्र जैन ने अपनी पूरी की पूरी कंपनी शेयर जमीन के साथ आपको सौंप दिया? सीबीआई किसी के इशारे पे नहीं चलती है, सीबीआई सरकार के इशारे पे नहीं चलती है। और नए प्रधानमंत्री जी हमारे इस तरह के इंस्ट्रक्शन में विश्वास रखते हैं और हमारी सीबीआई बहुत ही ऑटोनॉमी से काम करती है और उसको एक ऑटोनॉमी प्रदान की हुई है और अभी तक जो सीबीआई काम कर रही है सारा ऑटोनॉमी से कर रही है और अपने हिसाब से काम कर रही है, वो सरकार के इंस्ट्रक्शन पे काम नहीं कर रही। इनकम टैक्स विभाग ने लालू यादव की बेटी मीसा और दामाद के ठिकानों पर भी छापेमारी की। लालू की बेटी ने जिस पैसे से फार्म हाउस खरीदा वो पैसा दिल्ली के 2 एंट्री ऑपरेटर्स की कंपनी से आया था। दोनों एंट्री ऑपरेटर्स एसके जैन और वीके जैन को प्रवर्तन निदेशालय पहले ही गिरफ्तार कर चुका है। लालू की बेटी मीसा और उनके पति मिशेल पैकर्स एंड प्रिंटर्स में डायरेक्टर हैं। कंपनी लालू के दिल्ली के आधिकारिक पते पर रजिस्टर्ड है।